बड़ा पैकेट है ये, काम है तुम्हारे लिए। देखना कितनी मोटी, कितनी मोटी हो गई। ये आपकी कुकीज वगैरह, काजू कतली भी आते ना। तो तुमने मेरे को याद दिलाया था। जो भी माँ बाप दहेज देते हैं वो तो अपनी लड़की को देते हैं, और ये तो देना अच्छा होता है कि एक गाड़ी दे दो, एक फ्लैट दे दो, भैया भीख मांग लो, इससे बढ़िया वो ज्यादा बढ़िया हो जाएगा मेरे हिसाब से तो। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल, स्वागत है आपका आज के ब्लॉग में। और ये मैं तुम्हें दिखाता हूँ, क्या था वो? अनार। अच्छा फिर ठीक है, सुना ना, सुना ना, क्या है? क्या मेरे को अगर नहीं आना? क्यों नहीं आना? मैं व्लॉग भी डिलीट कर दूंगा। क्यों? मैं कर दूंगी। इतना खूबसूरत चेहरा लग रहा है तुम्हारा, सुनो देखना, इतने अच्छे पराठे बना रही है मेरे लिए, जल रहे हैं सारे हैं। चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ अंधेरी जुल्फ घनेरी, शाम है क्या सागर जैसी आँखों वाली, ये तो बता तेरा नाम। चिमटा वाली, चिमटा वाली तेरा नाम। अब बुरी शक्ल की ज्यादा ना बनेगी, ज्यादा ना बनेगी मेरे सामने। सुनो ना, चेहरा है या तो दोस्तों ये ब्रेकफास्ट बना दिया है हमारी वाइफ ने। ओ गिर ना जाए, वैसे मेरे से चीजें गिरती रहती हैं। ये खा लेता हूँ अभी, और उसके बाद सीधा रेडी होऊंगा। रेडी होने के बाद सीधा जाऊंगा जिम। यार मेरी एक दिक्कत दूर नहीं हो रही कि मेरी आँख ना 5 या 6 बजे लगती हैं सोने के लिए। रोज मैं सुबह सोता हूँ और 12 बजे उठता हूँ। काम तो करते नहीं, थोड़े रहते हैं। तुम्हारा काम करता हूँ मैं तो। तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है ना मैंने। बताने क्या करते हो? ज्यादा बोलोगी कैमरा में ले आऊंगा। देख लो इसको, देख लो। इसको पता नहीं क्यों डर लगता है। मतलब नहाती नहीं है तो तुम्हें लगता है कि तुम सुंदर नहीं लगती, राइट? मैं सुंदर हूँ, पर मैं अपनी सुंदरता नहीं दिखाना चाहता। ब्रेकफास्ट बनाया, इसको पता नहीं क्या हो रहा है। चलो जी खा लेते हैं। तो दोस्तों आज मैं नहा लिया हूँ बहुत दिन बाद। और मैंने जिम के कपड़े पहन लिए हैं, ये टी शर्ट मैं कल लेकर आया था। और अभी मैं जा रहा हूँ जिम के लिए, और प्रीत अभी सो रही है, लाइट ऑफ है। कोई नहीं, मैं इतने जिम कर ही आता हूँ। थोड़ा लड़ाई बाज गई रे भाई। प्रीत तो यहाँ के लिए बोल रही थी। यहाँ पे खाना देने के लिए बोल रही थी, यहाँ पे तो लड़ाई कर रहे हैं। वैसे यहाँ पे हम कभी कभी आते हैं देने के लिए, यहाँ पे बहुत सारी झुग्गियाँ टाइप सी हैं। लड़ाई बाज रही है आज बढ़िया तरीके से। तो दोस्तों मैं अभी जिम आ गया हूँ, और यहाँ पे मैंने गाड़ी पार्क कर दी है। जिम जाने से पहले सोचा कि मतलब कि मैंने, अगर तुम्हें पता हो कि कल मैंने व्लॉग डाला है, और उस व्लॉग में मैंने बात करी थी कि कमेंट्स वगैरह आ रहे थे किससे रिलेटेड, जैसे कि दहेज गलत है तो ये बताओ कि फिर तो ये भी गलत है कि लड़के की जमीन जायदाद देखना, सरकारी नौकरी देखना, ये वगैरह। तो फिर मैंने एक शॉर्ट डाली है यूट्यूब पर, जिसमें मैंने दहेज के ऊपर जो मैं बोल रहा हूँ, तो वहाँ पे बहुत सारी लड़कियों की बहुत सारी धारणाएं आ गई हैं। मतलब कि उनका दुख फूट रहा है कि बहुत गलत होता है दहेज, और मेरे में तो ऐसा करा कि मेरे पापा इतना दिक्कत में थे, फिर डिमांड कर दी, फिर ये कर दी, वो कर दी। मतलब बहुत सारे कमेंट्स थे इससे रिलेटेड। तो मैं उन लड़कियों से ना एक बात बोलना चाहता हूँ, एक्चुअली आज पूछना नहीं, आज एक बात बोलना चाहता हूँ। जब एक लड़की की शादी होती है तो उसको बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है, जब उस अब वो अपने पापा को देखती है कि यार मतलब इतनी वर्थ भी नहीं है, इतना स्टेटस भी नहीं है हमारा, और इतना दहेज देना पड़ रहा है। चलो ठीक है, लड़की की शादी बढ़िया हो जाए, ठीक है भाई, वो अब समाज में रहते हैं, समाज से भाग थोड़ी ना सकते हैं, जैसे चल रहा है अभी उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा।
तो लड़की वो सब देखती है तो बड़ा दुख होती है। देन उसके बाद में उस लड़की की शादी हो जाती है, देन उस लड़की के बच्चे होते हैं, बच्चों में होता है लड़का, वो लड़का अब हो जाता है बड़ा। अब जब लड़का बड़ा हो जाता है, जब उस लड़के की शादी करती है वही लड़की, जब वो माँ बन जाती है एक लड़की की, और जब उस लड़के की शादी करती है, अब जिस लड़की को अपनी शादी के टाइम पे बहुत दुख हो रहा था, जब उसका पापा दहेज के लिए पैसे इकट्ठे कर रहा था, इधर उधर मतलब किसी से मांगना पड़ रहा था, किसी से कैसे करना पड़ रहा था, वो सब देख रही थी तो बड़ा दुख हो रहा था। अब वो लड़की जब अपने लड़के की शादी करती है तो हक से दहेज मांगती है। और यही हमारे समाज की कड़वी सच्चाई भी है कि जहां पे तुम्हें पता होता है ना कि कोई चीज गलत है, आप उसी गलत को करते हो फिर जब आप उस लेवल पे पहुंच जाते हो। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा, जो कुछ लड़कियां बहुत ज्यादा रोना रो रही है ना, तो आप इस रोने को, दुख को फील करके ना, आप तभी सही हो सकते हो जब आप आने वाले टाइम में अपने बच्चों के लिए दहेज लो या ना दो। अगर आप आज तुम्हें इतना दुख फील हो रहा है, कल को आपको लड़का हो जाएगा, देन उसके बाद में शादी करोगे, और उसके बाद में जिससे लड़की से शादी होगी उस लड़की के माँ बाप से बोलोगी कि जो भी माँ बाप दहेज देते हैं वो तो अपनी लड़की को देते हैं, और ये तो देना अच्छा होता है कि एक गाड़ी दे दो, एक फ्लैट दे दो, भैया भीख मांग लो, इससे बढ़िया, वो ज्यादा बढ़िया हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो सीधी सी बात है, फिर जिन लड़कियों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है ना इस चीज से, ठीक है यार, फिर तुमने सीखा क्या? आपने भी तो जब आप लड़की थी आपको बड़ा दुख हुआ जब आपके माँ बाप बहुत दिक्कत में थे दहेज देने के टाइम पे, लेकिन जब आप एक खुद माँ बन गई और जब आप अपने लड़के की शादी कर रही हो तो आप फिर हक से दहेज मांग रही हो, तो दैट मीन्स के आपके जब आपको दुख हो रहा था अपने माँ बाप के लिए वो गलत हो रहा था। अगर वो दुख गलत नहीं हो रहा था तो इसका मतलब आज दहेज मांग रही हो तो आज गलत हो, भैया कहीं तो सुधरना पड़ेगा ना। तो इसलिए जो कमेंट में जिनको जो ये बोल रही कि बहुत गलत है दहेज और ये होता है वो होता है, हमारे माँ बाप इतने दिक्कत में रहते हैं, तो उस दिक्कत को समझ के अपने आप को सुधारो, और जब तुम सुधरोगे तो आने जब तुम्हारी अगली पीढ़ी आएगी तो वहां पे दहेज नहीं मांगा जाएगा। यार अपने बच्चों में सामर्थ्य डालो, उनको कॉन्फिडेंस डालो, उनके अंदर शिक्षा डालो, वो इस लायक बन पाए कि ना दहेज देने की जरूरत पड़े और ना लेने की जरूरत पड़े। और एक ये भाई है, इस भाई ने ये वाला कमेंट करा है, रजत ने, भाई मेरे को यार थोड़ा सा ना इसको ब्रीफ में समझाओ थोड़ा सा, मतलब ऐसा क्योंकि ये तो मेरे लिए भी नया है, लड़की वाले मजबूर कैसे कर देते हैं मतलब के दहेज के लिए, थोड़ा सा यार मेरे को बढ़िया तरीके से इस वीडियो पे कमेंट करके दिखाओ प्लीज, क्योंकि ये मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि ये वाला टॉपिक तो मेरे को भी नहीं पता कि मतलब लड़की वाले मजबूर कर देते हैं। हाँ शायद यही होगा मजबूरी में भी कि तुम्हारे पास क्या है, हाँ जी इतनी दुकान है, इतने खेत हैं, इतने ये हैं, अच्छा ये सब कुछ देख लिया, अब हम भी पूछेंगे अब तुम हमें क्या दे रहे हो इसके बदले, हाँ जी ठीक है मैं भी तुम्हें एक गाड़ी दे रहा हूँ, अपनी लड़की दे रहा हूँ, 20 लाख कैश दे रहा हूँ, और यही होगा मेरे हिसाब से तो आपका मतलब, बाकी आप ब्रीफ में लिख कर समझाऊं मेरे को क्या है। जिम से निकला नहीं था और मैडम का आ गया फोन, फरमाइश है शुरू। हाँ जी लाइट जला दो, खिला दो तुम्हें मैगी। हाँ, हैं देख लो इसने मैगी, आटा मैगी क्यों लेकर आए हो, हैं मैदा एक ही पैकेट, ये इतना बड़ा पैकेट है, ये कम है तुम्हारे लिए, देखना कितनी मोटी, कितनी मोटी हो गई, मोटू हाँ मोटू ये आपकी कुकीज वगैरह काजू कतली भी आते हैं ना, तो तुमने मेरे को याद दिलाया था, ये मैंने खाए थे, कहाँ खाए थे ये, इसे मुझे पता है कि मतलब अच्छे लगते हैं, तो ये चाय पानी पानीपत वाले ने दिए थे चाय के साथ, वो वाले नहीं है ये नमकीन है, तो वो भी तो नमकीन है। चलो मैं अपना ब्लॉग एडिट कर दूं। ये है चाय के साथ, और ये ना हम ना खाना खाने के बाद खाते हैं जब मुंह चटपटा सा हो जाता है ना, मन करता है। तो ये कोकोनट वाली कुकीज बढ़िया लगती है, अच्छी लगी थी मुझे, बहुत सारी खा गया था। देखो वो रखी, ये हमने खत्म कर रखी यहाँ पे,
डब्बे नहीं उठाए गए, बस काम नहीं करती मेरी लुगाई, इसके इसके बस के नहीं है एक मिनट भी। वैसे ना ये ना काम आएंगे बॉक्सेस, क्यों बहुत काम आएंगे, ऐसे पास्ता बना लिया, मैगी बना ली, इसमें डाल के पैक कर। अरे सही कह रहे हो, ओ दैट्स कॉल्ड हाउसवाइफ। अरे वाह सॉरी ना, तुमने ना मेरा मुंह मोटा कर दिया ऐसे दबा दबा, तुम्हारे खान पान ने करा है। नहीं यार मेरा अब मन कर रहा बर्गर खाने का, लेकिन अब मैं अभी सोच रही थी मैं ये टी शर्ट पाऊं, ऊपर मैंने ये क्योंकि ये मेरी टी शर्ट है। और देखो गाइस मैंने बोला था ना कल कि मैं इनकी जो वो ब्लैक वाली टी शर्ट है वो पाऊंगी, भेज के चले गए कर गए, ये नहीं कि मैं ये पहन लेती। मैंने क्या करा, मैं नहाया और उस उसको नीचे रख के नहाया उस पे जो उसका वो है जिस पे बैठते हैं उस पे रख के नहाया, ठंडा ठंडा नहीं लगता ना फिर, बच्चों की तरह नहाते हैं तो किसी दिन नाना देख ले। अरे ये यार पहन लेती है और फिर पता है टी शर्ट में वो रुआ रुआ से हो जाते हैं, ये भी मेरी है। सर्दियों में होता है यार कंबल में जो रुआ होता है ना, ये कंबल का जो रुआ निकल जाता है तो वो लग जाता है उसमें, उसमें मेरी क्या गलती, मैं हर गलती वाइफ की होती है चाहे कुछ भी हो। है पति की सिर्फ एक गलती होती है कि उसने पति बनने का डिसीजन लिया, yes, उसके बाद सारी गलती ना वाइफ की होती है सही कह रहा हूँ ना दोस्तों, इस बात पे सही कमेंट करके बताओ। और पत्नी की क्या गलती होती है कि वो पत्नी बनी, मैंने ये नहीं बोला पत्नी बनने का डिसीजन लिया, पत्नी की गलती होती है वो पत्नी बनी। और जब माँ बन रही हो और ऑलराइट गाइस सो मैं जिम से आ गया हूँ और बॉडी फिर से मैं रिकवर कर रहा हूँ धीरे धीरे, और अभी प्रोटीन खत्म हो गया मैं मेरा, अब मेरे को प्रोटीन ऑर्डर करना, वैसे एक कोलैबोरेशन का आना था लेकिन वो कोलैबोरेशन का अभी तक नहीं आया, उसको आने में टाइम लग रहा है, तो मैं ऑर्डर कर देता हूँ एक, कोई दिक्कत नहीं, और फिर खाता हूँ, देखना ऐसे नस निकाल दूंगा फिर मैं। भैया इसके सीरियल्स खत्म होने में नहीं आ रहे, इसका इसके दिमाग की जो आधी टेंशन है ना, जो अपने फोन में जो ये सीरियल देखती रहती है ना, कभी कैसी एकदम से धुन बजती है, धन तना ना ना धन तना ना ना धन तना ना ना है, और फिर मतलब डायलॉग भी कैसे कैसे, तुम 10 सीढ़ियां उतर के नीचे आ गई, तुम कैसे आ सकती हो, तुम ये कर कैसे दिया भाई, आधी चीज आधा इसका दिमाग का टेंशन ना सिर्फ इसकी वजह से बन रहा है, मैंने 1000 बार बोल दिया ये तुम क्या चलाते, तुम्हारा दिमाग पकता नहीं है क्या, लेकिन ये फिर भी आदत से मजबूर है। हाँ जी आपके फोन में हॉटस्टार आपने दिया मुझे, क्यों फिर हॉटस्टार मैं इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि मैं सिर्फ उसमें अपनी मूवीज देखता हूँ, तो फिर मैं इसमें अपनी क्लिप्स ही देख रहा हूँ, तो क्लिप्स मतलब सीरियल तो नहीं देखना ना, 20 मिनट का नहीं देखना, सीरियल नहीं देखना भैया, एंटरटेनमेंट नहीं, आप अपनी ये हॉलीवुड मूवीज देखते हो, मेरे को कुछ समझ तो आता नहीं है, पता नहीं क्या उसमें ज़ॉम्बीज वाली देखते हो, इतने बेकार उल्टियां आने को हो जाती है, तो मैं तो कुछ देखूं एंटरटेनमेंट के लिए। तुम्हें पता है आज क्या है, क्या है सोचो सोचो, क्या तारीख 13 तारीख, हाँ कल वैलेंटाइन डे है, और आज क्या है, आज क्या है, आज क्या है, आज है किस डे, किस डे आज, हाँ हैप्पी किस डे यार मतलब ना हो गया ये जो वैलेंटाइन वीक होता है, हाँ। मेरे को जिंदगी में कभी ना पहले ना अब मतलब याद ही नहीं कौन से दिन क्या होता है क्या नहीं होता, और शादी से पहले एक दिन मतलब शादी से पहले वैलेंटाइन डे था, मैंने बोला मैं था 14 फेब है वैलेंटाइन डे है, कहता ये दीपावली भी करते हैं चोचले और हम नहीं मनाते ये वैलेंटाइन डे, मेरे को यार शुरू से ही मैं क्या यार ये बकवासपंती मैं नहीं करता पता नहीं क्यों, तो आज मैं ब्राउन ब्रेड खाऊंगा, आज मैं बर्गर खाऊंगा सिर्फ, हैप्पी किस डे, तुम्हारे मुंह पे ऐसा घूसा मारूंगा तुम्हारे होंठ इतने मोटे हो जाएंगे ना, तो ये बर्गर कभी खा पाएंगे ना कभी जिंदगी में तुम सोचोगी, मेरे पहले ही मेरे को फिर हाँ की जरूरत नहीं, कर लेना तुम बर्गर पे किस, ऐसे निकाल दूंगा एक घूसे में तुम्हारे होठों को, पनीर खिला दो, मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है यार, देखो मतलब सच्ची में ना मैं इस चीज में, कल हमारी लड़ाई हुई जैसे मैंने अपने व्लॉग में बताया, कल हमारी लड़ाई, कोई दिन है जो लड़ाई नहीं करती तुम तो बाद में ना
मनाने क्यों आते हैं मुझे ये नहीं समझ में आता है। डाइवोर्स तक की लड़ाई हो जाती है, फिर बाद में मैं बाबू ये ओ भाई ये तो ये स्क्रिप्टेड है, ये स्क्रिप्टेड है, ये बाबू बूबू मैं नहीं करता, मैं करता हूँ जान प्लीज। हाँ। ऐसा मत करो। हाँ। ये तुम पर अच्छा नहीं लगता जान। जब ये मनाने की बात आती है और बिल्कुल इलॉजिकल बातों पे लड़ते हैं गाइस, जिनकी कोई सेंस ही नहीं, बस अपने आप में सही समझते हैं। इलॉजिकल मैं हर बात ये, जो दुनिया की सबसे इलॉजिकल लड़की है ये मेरे से बोल रही है, तुम्हें पता है लॉजिक का मतलब क्या होता है? लॉजिक का मतलब होता है कि जो मैं बात जो करती प्रीत हूं, जो प्रीत बात करती हूं। जो प्रीत मानती है वो सिर्फ अनीश की बातें मानती है और अनीश की बातें हमेशा सही है, ये लॉजिक की वाली बात है। और यही लॉजिक यही लॉजिक वाली बात यही लॉजिक वाली बात रहेगी। और दूसरा क्या था वो कमेंट्स तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे, मैं सही बता रहा हूँ। और मैं कुछ कमेंट्स देख लेता हूँ, ठीक है, उनका रिप्लाई मैं कल के व्लॉग में दूंगा। और आज मैं खाने में सिर्फ ब्राउन ब्रेड और सब्जी खाऊंगा, और रात को मैं थोड़ी सी बिस्किट वगैरह खाता हूँ, वो कुकीज़ वगैरह, उसके बाद सो जाता हूँ। आज के लिए व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर व्लॉग्स, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, साइनिंग ऑफ नाउ।